कानपुर देहात के देरापुर थाना क्षेत्र के बलहरामऊ गांव के समीप शौच को खेत पर गई 18 वर्षीय किशोरी की एक बहसी दरिंदे युवक ने चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन पुलिस अधीक्षक व कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाए जाने के साथ ही NSA की कार्यवाही की बात पर शव को पोस्टमार्टम हेतु ले जाने दिया। देरापुर थाना क्षेत्र के बलहरामऊ गांव निवासी अयोध्या प्रसाद ने बताया कि उसकी 18 वर्षीय पुत्री एकता सुबह करीब 7:30 बजे शौच के लिए खेतों पर गई थी। तभी गांव का ही शीलू पुत्र दिनेश कटियार उसे बुरी नियत से सरसों के खेत में ले गया। विरोध करने पर वहसी दरिंदे ने चाकू से बेरहमी पूर्वक उसका गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। दिन दहाड़े हुई वीभत्स घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मृतका के साथ गई गांव की एक बच्ची द्वारा गांव वालों को दी गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी व कई थानों का पुलिस फोर्स। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डेरापुर क्षेत्र का के गांव बलहरामऊ में आज सुबह एक युवती अपनी बहन के साथ खेत गई थी। वहीं पर उसके पड़ोसी जो उसके परिवार का ही है, वह भी 23-24 साल का युवक है, उसने उस युवती के गर्दन पे चाकू से प्रहार कर दिया, जिससे उसको अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों की तहरीर पे हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।